ये आप क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग पिंटो। गुड मॉर्निंग अंकल। जेंटलमैन, ये एक इंसानी मशीन का सबसे ज्यादा नाजुक और इंपॉर्टेंट पुर्जा है, यानी कि एक इंसानी दिल। लेकिन इसे इंसानी दिल कहना ठीक ना होगा, क्योंकि ये दिल इनका है। गुड मॉर्निंग पिंटो। रवि, मैं दावे से कहता हूं कि अभी मशीन बहुत थक चली है। अगर इसे कम से कम एक महीने का आराम ना मिला ना, तो तुम्हारा ये सारा कारोबार, ये पेपर मिल यूं ही धरा रह जाएगा। फिनिश्ड। अब जाओ, मुझे काम करने दो। काम काम काम, नवक पर खाना, नवक पर सोना, न काम की सिवाय किसी से बात करना। रात दिन वही लोग, वही दफ्तर, वही काम। रवि, इस पागल खाने से बाहर निकलो। पागल खाना? रवि बेटे, डॉक्टर पिंटो ठीक कहता है। सर, he is right. You are overworked. हाँ सर, आपको आराम की सख्त जरूरत है। पिंटो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं काम कर रहा हूं मुझे बोर मत किया कर। पिंटो, एक काम ही तो रह गया है मेरे पास, तुम मुझे उससे भी दूर कर देना चाहते हो? इसलिए कि तुम पागल ना हो जा रवि। अगर इसी तरह तुम अपनी यादों से भागते रहे ना, तो हर वक्त हर जगह तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। तुम उनकी आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो वो चोरों की तरह भाग जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, कलकत्ता से आपका फोन है। कॉलर डॉक्टर पुरी सर। लगता आज लेक्चर सुनने का दिन है। क्या कहा? लेक्चर? अरे गधे, मैं डॉक्टर हूँ, लीडर नहीं। ओ हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया? बेटे, याद तो तुम्हारी हर वक्त आती रहती है, लेकिन टेलीफोन बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ। खैरियत तो है? कहीं फिर कोई लड़की तो नहीं ढूंढ ली मेरे लिए? बड़ी खूबसूरत है, बड़ी लिखी है, MBBS है और खानदान भी बड़ा ऊंचा है। डॉक्टर पुरी, आप मेरी शादी का ख्याल कब छोड़े? मिस्टर रवि, जब आप शादी कर लेंगे। पापा, आप एक डॉक्टर हैं, सब कुछ जानते हुए भी। बकवास बंद करो, इस बहन ने तुम्हारी जिंदगी अधूरी कर रखी है। ये शादी इस बार तुम्हें हर हालत में करनी पड़ेगी। मैं कल सुबह की फ्लाइट से लड़की वालों को लेकर आ रहा हूं। शादी करवा के ही रहूंगा, डॉक्टर न हो गए पंडित हो गए, अच्छी मुसीबत है। रवि, तुम डॉक्टर पूरे की बात क्यों नहीं मान लेते?